हेलो दोस्तों, आज जो चीज़ हम उगाने वाले हैं वो है टिंडे। टिंडे की बेल आज हम उगाने जा रहे हैं और ये हमारे पास कुछ सीड्स हैं जो हमने टिंडे में से हासिल किए हैं। आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर सॉइल तैयार की है। इसमें 50% गोबर की खाद अच्छी तरह सड़े हुए और 50% जो है वो रिवर सैंड ले लें या फिर गार्डन सॉइल ले लें। उसमें आप इस तरह इन बीजों को रख कर थोड़ा सा प्रेस कर दें, तकरीबन आधे इंच तक इसको दबा दें और इसके बाद इसकी मिट्टी को बराबर कर दीजिए और फिर अच्छी तरह से इसको पानी दे दीजिए। शुरू में पानी कुछ ज़्यादा दीजिए कि अच्छी तरह नीचे तक पानी पहुंच जाए और नीचे से ड्रेन हो जाए, और फिर उसी वक्त पानी दीजिए कि जब आपको ऊपर की मिट्टी खुश्क नज़र आए, सूखी हुई नज़र आए। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 7 से 8 दिन बाद हमारा पौधा जर्मिनेट हो चुका है और इसमें से बहुत ही खूबसूरत निकल आया है। इसके बकिया सीड्स अभी जर्मिनेट नहीं हुए, एक हुआ है और उम्मीद है आने वाले दिनों में दूसरे भी सीड्स जर्मिनेट हो जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें एक भी काफ़ी रहेगा। टिंडे के बेनिफिट्स की बात की जाए तो चूंकि हर सब्ज़ी ही अल्लाह की नेमत है और हर सब्ज़ी में बेशुमार फ़वाद होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, टिंडा वही फ़ायदेमंद होता है जो गोबर की खाद में उगाया जाए। अगर केमिकल खाद में उगाया जाए तो फिर ये बजाय फ़ायदे के बसा अवकात नुकसान पहुंचाता है, और इसका नुकसान जो है वो गुर्दों पर होता है। गुर्दों को फेल करने में ये बड़ा कोशा रहता है, बहुत कोशिश करता है। तो याद रखिए कि बेहतर ये है कि आप इसको गोबर की खाद में उगाएं, तो इससे आपको जो टिंडे हासिल होंगे उनके बेनिफिट्स भी आपको मुकम्मल तौर पर प्रॉपर तौर पर हासिल हो सकेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर टिंडे के पौधे को, प्लांट को दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है और अब ये बेल आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाएगी, और जिस तरह ये खरबूजे की बेल आपको नज़र आ रही है इसी तरह से ये लंबी होती जाएगी, और इसके बाद हम इसकी 3G कटिंग करेंगे जिसके ज़रिए हम इसकी खूब फ्रूटिंग हासिल करेंगे। 3G कटिंग पर हमने एक पूरी मुकम्मल वीडियो बनाई है डिटेल के साथ, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।